ठीक है। अब ये हो गया इसके साथ में, अब दूसरे जो अदर है भुक्ति लॉट प्रत्यंतर सूक्ष्म और प्राण, इसको कैसे लिखते हैं? रूल चार यहां तक लिख लिया ना, रूल पांच कैसे लेंगे? रूल नंबर फाइव। तो यहां पे बाकी के जो चार दशा लॉट है ना, इसमें हम लेंगे भुक्ति लॉट बी एच प्लस प्रत्यंतर पी आर प्लस सूक्ष्म प्लस प्राण, ये चार हो गए। कैसे पकड़ेंगे इनको? तो सबसे पहला क्या होगा कि ये सारे के सारे प्लैनेट, सारे के सारे प्लैनेट एक या दो या सात या आठ या बाधक या एनबीसी के अंदर इन भाव में बैठे होने चाहिए, या तो इनके को रूलिंग हो, उन्हीं प्लैनेट को हम पिक करेंगे सबसे पहले जो को रूलिंग प्लैनेट हो, पहले घर के या दूसरे घर के या सातवें या आठवें या बाधक भाव के या निरायण भाव चलित में इन्हीं हाउसेस में बैठे हुए, यानी कि ऐसा प्लैनेट जो पहले घर का या तो साइन लॉर्ड हो, स्टार लॉर्ड हो, सब लॉर्ड हो या सब सब लॉर्ड हो, या वो दूसरा मारक भाव, सातवां मारक भाव, आठवां मृत्यु का भाव या निरायण भाव चलित में या बाधक भाव के अंदर को रूलिंग आना चाहिए। नंबर एक हो गया, उसी को पकड़ेंगे। फिर क्या लेंगे? ये जो प्लैनेट है ये अपने फोर दशा लॉर्ड सभी के बारे में लिखा मैंने, चारों भुक्ति प्रत्यंतर सूक्ष्म और प्राण, ये सभी के सभी जो है ना वो अपने पोजिशनल स्टेटस, सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड के द्वारा ये जो मारक भाव ने निकाल एक आठ दो सात बात के, इसमें पूरे भाव में नहीं जा करके वो एक एक भाव में भी जा सकते हैं, जैसे ये एक में गया, यहाँ पे आठ में आ गया, यहाँ पे बाधक आ गया, तब भी चल जाएगा, है ना? या यहाँ पे चला गया आठ में, यहाँ आ गया एक में, यहाँ पे आ गया बाधक, या बाधक ऊपर आ गया, यहाँ पे आठ आ गया, यहाँ पे दो और सात आ गए, ऐसा कोई प्लैनेट ना हो बीच में जो बजाय किल करने के आयु बढ़ा रहा है, उसको हम दशा में नहीं लेंगे। बेशक वो को रूलिंग प्लैनेट हो, पहले का, दूसरे का, सातवें आठवें या बाधक भाव का, वो प्लैनेट हम हटा देंगे वहां से। हमने लेने ही वही है जो कि मारक भावों के अंदर गया हुआ हो, लेकिन उसके पहले वो को रूलिंग प्लैनेट हो मारक खुद उस घर का, तब हम इसको फिक्स करते। तो हमने दशा फिक्स कर लिया। हमने सबसे पहले क्या करना है, प्लैनेट को बाइफर्केट करते हैं, प्लैनेट ए और प्लैनेट बी, इसमें सभी लेंगे मारक और ये मारक को डिनाई करने वाले, डेथ को डिनाई करने वाले प्लैनेट। तो मान लो रैंडमली हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो सन है ये डेथ को डिनाई करता है, यानी कि वो एक तीन पांच नौ ग्यारह जैसे घरों में है, इसलिए इसमें अपनी दशा में डेथ नहीं कर सकते। ये है, उस पर से फिर हम ले लेते हैं वीनस को, फिर हम सपोज कर लो पकड़ लेते हैं यहाँ पे मरकरी, ये डेथ को डिनाई करते हैं, डेथ नहीं होने देते। तो जो ये दशा लॉर्ड्स है ना, एक तो ये इनमें से कोई भी नहीं होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, इनकी साइन पे भी नहीं होगा ना, तो इनके जैसे ये सन है और वीनस है और मरकरी है, जब जिस दिन डेथ होगी ना उस दिन ना तो इनकी राशि पे होगा, ना इनके स्थान पे होगा, ना इनके सब पे होगा, ना इनके सब सब। हाँ, मैं गोचर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो जितने भी दशा लॉर्ड हैं वो सन के, वीनस के और मरकरी के ना तो साइन में होंगे, ना स्टार में होंगे, ना सब में होंगे, ना सब में होंगे, ठीक है? जब ऐसी स्थिति मिले कि जो भी मारक दशा हमने फिक्स की है वो सबका ट्रांजिट, पांचों के पांचों दशा लॉर्ड का ट्रांजिट इनसे बाहर है और उन्हीं पे है जो कम से कम या तो डेथ दे रहे हैं या न्यूट्रल हैं, तो वो स्थिति में बोलेंगे हाँ यहाँ डेथ हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, मान लो शनि की दशा चल रही है जिसमें डेथ होनी है, तो शनि की दशा तो 19 इयर्स की है, इस 19 साल में कब होगी डेथ, समझ गए? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास साइन कौन सा अलग करने के लिए, पांच नंबर
नंबर और सात नंबर, तीन नंबर और छह नंबर। तो यदि मान लो जो आपका शनि है वो टॉरस साइन में चल रहा हो, तो ढाई साल तो सीधा निकालेंगे, तो 19 साल में ढाई साल गए। टॉरस का कहाँ है, जेमिनी में, ढाई साल फिर गए तो फिर डेथ नहीं होगी। डेथ के लिए दशा लॉर्ड का ट्रांजिट एक तरफ और इसके साथ में सैटर्न, डेथ में केवल सैटर्न को एक्स्ट्रा पकड़ते हैं, नहीं तो केवल जुपिटर सन एंड मून लेते हैं, है ना, जुपिटर सन एंड मून। इनकी दशा, ये दशाओं में हो चाहे नहीं हो, लेकिन इनको अलग से लेते ही लेते हैं, कंपल्सरी है लेना, है ना। तो क्या होगा, सैटर्न एज ए दशा लॉर्ड है, तो अगर वो जब दशा शुरू हुई हम बोले भाई शनि की दशा में डेथ हो सकती है और वो टॉरस पे होगा, तो पहला ढाई साल तो गया टॉरस पे, मिथुन राशि में अगला ढाई साल गया, उसके बाद अगला कर्क है तो उसमें डेथ हो सकती है ना। तो वो ढाई साल हम अलग कर रहे हैं कि इस ढाई साल के अंदर डेथ हो सकती है, अगर उसमें किसी कारण नहीं होती। लियो में आएगा, लियो में ढाई साल गया, वर्गो में आएगा ढाई साल गया, लिब्रा में आएगा ढाई साल गया। तो हमारे को शनि का ट्रांजिट कहाँ देखना है, हमारे को शनि का ट्रांजिट देखना मेष राशि में, मेष में, कर्क में, और फिर वृश्चिक में, धनु में, और इन्हीं राशियों पे, है ना। अब देखो सपोज करो मेष राशि में है, तो मेष राशि के अंदर जो स्टार आएंगे तीन, पहले आएगा केतु का, फिर आएगा शुक्र का, फिर आएगा सूर्य का। तो सूर्य और शुक्र तो मना करता है, तो जब वो केतु में आएगा ना तो वही एक साल मिलेंगे, तो एक साल को हम साइड कर लेते हैं कि भाई ये 18 अप्रैल 1998 में यहाँ पे आए थे और 99 का जुलाई में निकले थे यहाँ पे, सपोज करो, है ना। अब ये एक साल का समय मिला, अभी इस एक साल के अंदर जो आपका जुपिटर है वो यदि ऐसे किसी साइन में है तो यहाँ पे डेथ नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि एक साल जुपिटर का जब तक वहां से निकलेगा नहीं, जब तक जुपिटर एक साल से निकलेगा इतना केतु से वो इधर आ जाएगा शुक्र में, जो कि मना कर देता है। फिर अब हम ट्रांजिट कराएंगे शनि का, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, इतने दो नंबर की राशि फंस गई, तीन की फंस गई। फिर चार में कराएंगे कर्क राशि में, तो कर्क राशि के अंदर तीन नक्षत्र होंगे, कर्क राशि का पहला आएगा गुरु का पुनर्वसु, फिर शनि, फिर बुध। तो यहाँ पे दो ही दे रहा है, गुरु और शनि, बुध तो मना करता है। तो इस दो साल के अंदर फिर हम देखेंगे कि जो जुपिटर है वो ऐसे साइन में है कि नहीं है जो कि डेथ दे रहा है, यानी कि उन साइन में होने चाहिए जो डेथ दे रहे हैं। तो जब हमारा गोचर का शनि और गोचर की ये सारे की सारी दशा लॉर्ड इन साइन से बाहर होंगे और इन्हीं के स्टार से बाहर होंगे और बाकी सभी पे चल रहे होंगे जो डेथ को दे रहे हैं या न्यूट्रल है, तो वो एक संभावना बनाएगा। तो अगर मान लो गुरु भी कर्क राशि में चल रहा है और शनि भी कर्क राशि में चल रहे हैं और दोनों ही गुरु और शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक साल शनि की वजह से, एक साल गुरु के राशि की वजह से, और राशि एक नक्षत्र पे गुरु चार महीने गोचर करता है, तो वो चार महीने फिक्स हो जाएंगे। तो हम उस चार महीने को टारगेट करेंगे कि इस चार महीने के अंदर डेथ हो सकती है साहब। अब चार महीने में कब, तो हमारा सन यहाँ पे तैयार बैठा है, सन एक साइन में एक महीने गोचर करता है, तो सन का जो गोचर है वो हम देखेंगे कहीं इनमें तो नहीं चल रहा, इनमें चलते ही हम एक महीना आगे बढ़ा देंगे, फिर अगले में चलेगा फिर एक एक महीने आगे बढ़ा देंगे। तो हम वो वाला टारगेट लेंगे इसी चार महीने के अंदर, सन का जो ट्रांजिट है वो ऐसे साइन में जा रहा है जो कि डेथ को हाँ बोलता है, तो वो एक महीना नैरो डाउन होकर फिक्स हो जाएगा वन मंथ। उसके बाद एक महीने फिक्स होने के बाद हम सन का जो ट्रांजिट है वो ऐसे स्टार पे कराएंगे जो कि डेथ को सिग्निफाई करता है और इनमें से किसी का स्टार नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, वो 13 दिन और 8 घंटे फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि सन एक डिग्री एक दिन में चलता है और 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो 20 मिनट 8 घंटे के बराबर होता है, है ना, 8 + 24, तो 13 दिन और 8 घंटे। तो वो 13 दिन और 8 आवर्स ये फिक्स हो जाएगा। अब ये 13 दिन और 8 घंटे में कब होगी,
तो हमारे पास मून पड़ा है, सवा दो दिन रहता है एक साइन पे, मून का ट्रांजिट इन साइन को छोड़ के बाकी सभी साइनों पे होने चाहिए, फिर उसका ट्रांजिट लेंगे तो हम सवा दो दिन नैरो डाउन कर लेंगे 2.14। अभी सवा दो दिन के अंदर हम मून का जो ट्रांजिट है वो ऐसे स्टार पे लाएंगे तो 24 आवर्स जो है वो हमारा फिक्स होगा। अब ये जब हम फिक्स करेंगे कि जब मून ऐसे स्टार पे आएगा जो कि डेथ दे रहा है, इसी 24 घंटे के अंदर महादशा से लेकर के प्राणा तक और ये चारों के चारों, ये सब के सब ऐसे साइन स्टार का भी कर्तव्य पे चलने चाहिए जो कि डेथ को सिग्निफाई करता है। तो वो दिन फिक्स होगा एक। अब कब डेथ होगी है ना। डेथ होने के लिए जो मसाला तैयार करना है उसको बहुत ध्यान से देखो। तो फिर सारा सब ट्रांजिट आगे लेना पड़ेगा, टोटल इनका भी ट्रांजिट आगे लेंगे, पांचों के पांचों महादशा लॉर्ड का, सन मून ये सब का ट्रांजिट फिर देखेंगे टोटल, है ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से देखेंगे। अब आप देखो ये एक दिन 24 घंटे फिक्स हो गए जिसमें मून का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सन का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, क्योंकि जो सन है वो एक स्टार पे 13 दिन 8 घंटे और एक सब पे 24 घंटे रहता है, है ना। तो ये जो 24 घंटे हमने मून का निकाला है, अब इसका देखो रूल जो 6 उसको कैसे पकड़ेंगे, एक्चुअली आयु कब समाप्त हो रही है इसकी घोषणा कैसे करेंगे, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। जब हम 24 घंटे फिक्स करेंगे, सपोज कर लो हमने आज का दिन फिक्स किया, क्या तारीख है, 27 ना, 27 फरवरी 2018, है ना। ये मून आया यहाँ पे इस नक्षत्र पे, मान लो सुबह के 8:17 और 12 सेकंड पे, तो पूरा एक दिन यानी 28 तारीख के तकरीबन 8 बजे तक चंद्रमा जो है वो इसी नक्षत्र पे होगा जिसमें डेथ हो सकती है। तो हम कैसे फिक्स करेंगे इसको, जब एक दिन हम लेंगे ना तो प्राणा लॉर्ड भी चल रहा होगा, प्राणा लॉर्ड कुछ घंटों से लेकर के सवा दो दिन तीन दिन तक रहता है, है ना। तो हम प्राणा लॉर्ड को देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्राणा लॉर्ड है जो कि डेथ दे रहा है। प्राणा लॉर्ड जो भी होगा उसका संबंध 8वें घर से डायरेक्टली होएगा, या तो ये 8वें घर का एसएसएल प्लैनेट होगा, या 8वें घर का स्टार लॉर्ड होगा, या ये ऐसा प्लैनेट होगा जिसका स्टार लॉर्ड ही 8वें घर का एसएसएल है, या 8वें घर का जो एसएसएल प्लैनेट का जो स्टार लॉर्ड है वो इस प्लैनेट का भी स्टार लॉर्ड होगा। सेम कनेक्शन जो मैंने सिलेक्शन के टाइम पे बोला था। तो ये प्राणा लॉर्ड कुंडली में नेटल चार्ट के अंदर ये जो प्राणा लॉर्ड है, सपोज करो ये शुरू होता है जिसको हमने फिक्स किया कि इसमें डेथ हो सकती है, ये सपोज करो ये शुरू हो जाता है 9:10 एएम से, ठीक है। तो हम 9:10 का एक कुंडली कास्ट करेंगे जहां पे वो जातक है, सपोज करो हॉस्पिटलाइज है और अंतिम सांस गिन रहा है, तो हम कास्ट करेंगे 27 फरवरी 2018 समय 9:10, क्योंकि प्राणा वही है वही डेथ देगा, तो हम यही वाले प्राणा से रिलेटेड जो है वो कुंडली कास्ट करेंगे, सपोज करो एम्स में, IIMS ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसके अंदर वो एडमिट है, तो वहां का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेकर के कुंडली कास्ट करेंगे। तो क्या होगा, लगन के अंदर कोई ना कोई राशि लॉर्ड होगा, स्टार लॉर्ड होगा, सब लॉर्ड होगा और सब लॉर्ड होगा, कुंडली बनेगी, हर घर के अंदर कोई ना कोई साइन होता है उसमें स्टार, उसमें सब, उसमें सब, सब चार चार कोरोनी, और जो सन है हमारा और जो हमारा मून है ये भी किसी ना किसी साइन स्टार सब और सब सब लॉर्ड पे होंगे। हम तो लेके आए थे यहाँ पे कि सब जने जितने भी कोर रूलिंग प्लैनेट हैं जिस दिन डेथ होनी उस दिन सब कोई या तो पहले का कोर रूलिंग था, कोई आपकी कुंडली का दूसरे का था, कोई सातवें आठवें या बाधक भाव का था या निरायण भाव चलित में वहां बैठा था, वही इसके कोर रूलिंग बन रहे होंगे तभी तो सेलेक्ट किया। तो क्या होगा, ये जो सन का जो सब लॉर्ड है, सपोज कर लो सन का सब लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर डेथ दे रहा था या लिया था ना, हाँ जुपिटर, और मून का स्टार लॉर्ड जो है
वो हमने यहाँ पे सपोज कर पकड़ा मास, जब तक इन दोनों का कनेक्शन आपकी कुंडली के आठवें घर के सब सब लॉर्ड के साथ नहीं होगा ना दोनों का, तब तक डेथ नहीं होगी। कैसे निकालेंगे आठवें घर का? मान लो आठवें घर का सब सब लॉर्ड है मार्स, मार्स का स्टार लॉर्ड है जुपिटर, है मार्स का स्टार लॉर्ड है जुपिटर, एनबीसी कुंडली के अंदर जो आठवें घर के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट है वो आप सपोज कर दो केतु है ना, और जो मार्स का कोरूलिंग प्लैनेट में एक और प्लैनेट ले लेते हैं, आठवें घर का एसएसएल प्लैनेट मार्स हो गया, उसका स्टार लॉर्ड जुपिटर हो गया, एक ऐसा प्लैनेट जिसका स्टार लॉर्ड जुपिटर है, तो यहाँ पे हम इसको पकड़ लेते हैं, क्या लिया था हमने मून, मून का भी स्टार लॉर्ड जुपिटर है, तो कितने प्लैनेट मिले? एक तो मार्स आठवें घर का एसएसएल था, ठीक है, फिर हमारे को मिला आठवें घर में बैठने वाला प्लैनेट केतु, फिर मार्स का स्टार लॉर्ड जुपिटर और एक मून जिसका भी स्टार लॉर्ड जुपिटर है, तो हमारे को जो प्लैनेट मिले वो मिले मार्स जुपिटर केतु एंड मून। हम यहां पे ये जो प्लैनेट है ये तो एक दिन तक रहने वाला है, तो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा इन दोनों में, तभी तो कनेक्शन बनेगा है ना। फिर क्या होगा, ये कुंडली, ये वाला जो हमने कुंडली कास्ट किया है तो वो तात्कालिक तौर पे ये सारे के सारे जो प्लैनेट है वो भी तो किसी ना किसी साइन स्टार सब और सब सब पे होंगे। फर्दर आपके नेटल चार्ट में तो यही प्लैनेट थे जो कि डेथ दे रहे थे अपने उस कुंडली के हिसाब से, अब आज की कुंडली का यही प्रोग्रेशन है, इसके बगैर डेथ नहीं होगी। तो क्या करेंगे, सन के चारों को रूलिंग, मून के चारों को रूलिंग और लगन के चारों को रूलिंग प्लैनेट इसी कुंडली के अंदर में 1-8, 2-7 और 32 में अपियर कराएंगे। जब सारे के सारे होएंगे उसी टाइम पे हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे डेथ हो सकती है, कौन से क्षण डेथ होगा, तो जो फर्स्ट हाउस का जो सब सब लॉर्ड है, ये सपोज करो ये प्लैनेट जो है वो मून है, मून हटा ये सपोज करो आप सैटर्न है और मून का स्टार लॉर्ड क्या है मार्स, तो जैसे ही मार्स का सैटर्न के साथ कोई कनेक्शन बनेगा उसी 10-15-20 सेकंड में डेथ हो जाएगी। जब तक सब सब लॉर्ड का कनेक्शन मून के स्टार लॉर्ड से नहीं बनता तब तक हम समय को आगे बढ़ाते जाएंगे। बस बीटीआर का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही वाला है। अब बीटीआर कैसे आता है वो देखो, बीटीआर मैंने पढ़ाया ना, एट हाउस का जो सबसे लॉर्ड है